नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IBP के बारे में, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग के बारे में। दोस्तों, इनके द्वारा बहुत सारे यानी हज़ारों कैंडिडेट जो है बैंक में जॉब मिल चुका है, और मेरे द्वारा दोस्तों मैंने कितने लोगों को यहाँ पर रेफ़र किया है इस वीडियो में, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर IBP के द्वारा यदि आप बैंकिंग कोर्स करते हो तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा PGCRB यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन रिटेल बैंकिंग का आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 100% जॉब एश्योरेंस है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आप बैंकिंग कोर्स कर सकते हो। बैंकिंग कोर्स करने पर दोस्तों आपको यहाँ पे कुल मिलाकर 12 बैंक है, 12 कौन कौन सा बैंक है वो भी आपको बताऊंगा। वो 12 बैंक में आपको जो है जॉब, 12 में से कोई भी बैंक में आपको जॉब मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। देखिए दोस्तों, जो IBP है, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग, यहाँ पे जो है जो क्वालिफाइड टीचर है, जो एक से बैंकर है, उनके द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यदि आप क्लासरूम करना चाहते हो तो क्लासरूम में मिल जाएगा, और यदि आप ऑनलाइन पे घर बैठे आप ये कोर्स करना चाहते हो तो घर बैठे भी आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो 12 बैंक है, 12 बैंक कौन कौन सा है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, तो ये है दोस्तों HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फिर एस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, उज्जीवन बैंक, फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, EIU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये सारे बैंक में जो है आपको जॉब मिल सकता है। तो ये कुछ कैंडिडेट है जहाँ पे इनको जो है IBP के द्वारा आपको रिसेंटली बैंक में जॉब मिला है, तो है दोस्तों प्रियंका सोंदी, फिर पालक इनको मिला है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, फिर है दोस्तों यहाँ पे अभिनव भारद्वाज जिनको मिला है दोस्तों EIU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इसके बाद है सुमित पारेक जिनको HDFC बैंक में जॉब मिला है, मनीष सचदेव इनको भी EIU फाइनेंस बैंक में मिला है, विकास वंसल, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आप देख सकते हो जिनको जो है IBP के द्वारा बैंक में जॉब मिला है। तो अगर बात करें यहाँ पे ऑफिस विजिट की या इनका कौन कौन से लोकेशन में ऑफिस है, तो कुल मिलकर 25 लोकेशन में, सिटीज़ में यहाँ पे इनका ऑफिस है। साथ साथ ये जो क्लास है आप ऑफलाइन भी कर सकते हो या ऑनलाइन भी कर सकते हो। यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे 25 प्लेसेस है, जैसे कि मोहाली, पंचकूला, लुधियाना, पठानकोट, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, देहरादून, अकोला, अंधेरी, आप देख सकते हो यहाँ पे कुल मिलाकर 25 जो है यहाँ पे है। यदि आप ऑफिस घर बैठे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप घर बैठे भी कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट कोई भी घर बैठे जो है इसका कोर्स कर सकते हो। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इनके द्वारा यानी कि IBPS के द्वारा कितने कैंडिडेट्स को जो है बैंक में जॉब मिला है, और मैंने कितने लोगों को जो है रेफ़र किया है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा रेफ़र यदि आप करना चाहते हो मेरे द्वारा, तो मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मेरे द्वारा व्हाट्सअप का लिंक या नीचे कमेंट करके अपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर बता दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको फ़ोन करके सारी जानकारी आपको दे दूंगा। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए पूरा सपोर्ट मैं आपको करूँगा। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो PGCRB यानी कि आपको यहाँ पे कोर्स किया जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफाइड इन रिटेल बैंकिंग में आपको किया जा रहा है। रिटेल बैंकिंग दोस्तों, यदि आप बहुत बहुत जो इंस्टीट्यूट है आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे जो है सेल्स के लिए ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट कितना हुआ, तो प्लेसमेंट जो है दोस्तों अभी तक नहीं, ये मार्च 2022 तक यहाँ पे जो प्लेसमेंट हुआ है वो करीब 3500 से ज़्यादा कैंडिडेट को जो है प्लेसमेंट हुआ है इसी मार्च 2022। अभी तो ये नवंबर एंडिंग चल रहा है, तो अभी तक बहुत सारे जिसका अभी तक गिनती नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट को जो है यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुका है। मेरे द्वारा दोस्तों मैंने यहाँ पे डेली बहुत लोगों को जो है रिफ़र करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, और उसका कोर्स भी अभी रनिंग है, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए नीचे मैं एक लिंक दे दूँगा, या आप मुझे व्हाट्सअप का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर मुझे पिंग कीजिएगा, ठीक है। आपको इसके बारे में पूरा जानकारी आपको दे दूंगा, पूरा गाइडेंस आपको मेरे तरफ से आपको मिलते रहेंगे। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, तो यहाँ पे 90 डेज़ का ये कोर्स है, ठीक है, ओनली 90 डेज़ का। 90 डेज़ के बाद दोस्तों ये जो है एश्योरेंस जॉब आपको वहाँ से आपको मिल जाता है। तो 90 डेज यानी कि 3 महीने का कोर्स आएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अगर बैंक की बात करें तो पहले 28 ईयर्स था डायरेक्ट बैंक में, लेकिन अभी जो है इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो 27 ईयर्स अभी कर दिया है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए आपका जो एज है मिनिमम जो है
27 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, 27 ईयर्स से नीचे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 27 ईयर्स से नीचे आपका एज होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशंस है तो वो 10th 12th या आप ग्रेजुएट में आपका जो है परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो उसमें आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो कोर्स फीस एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना जो नॉलेज है मैं 50,000 प्लस टैक्सेस है यहाँ पे है, फिर भी इसका जो है यदि आप बात करना चाहते तो मुझे एक बार नीचे आपका फ़ोन नंबर दे दीजिएगा तो मैं जो है उन लोगों से बात आपको करवा दूँगा। तो यहाँ पे 50% प्लस टैक्सेस आपको हो सकता है इस कोर्स के बारे में, और 90 डेज का कोर्स है, उसके बाद आपका जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।